सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे पैरा क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए हैं, उनके सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहा है कि क्या इस बार कंपार्टमेंट के रिजल्ट में मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी। तो सबसे पहले देखो, मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है ये समझ लो। मॉडरेशन पॉलिसी तब लगती है जब सीबीएसई की तरफ से पेपर में कोई गलती हो, या कोई क्वेश्चन गलत आया हो, या फिर एक ए बी सी डी जो सेट आ रहे हैं उनमें से कोई एक सेट टफ आया हो। उन दोनों केसेस में ही क्या होता है, मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। और कंपार्टमेंट का जो आप लोगों का पेपर आया था, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो सामने निकल कर आई हो, तो इस केस में मान लो कि मॉडरेशन पॉलिसी बिल्कुल भी लगने के चांसेस नहीं है। बात करें अगर ग्रेस मार्क की, हाँ, यूट्यूब पे बहुत जगह बताया जा रहा है कि मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है, बट मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लगती है ये समझ गए, तो अब ये भी जान लो कि मॉडरेशन पॉलिसी लगने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। बात करें अगर ग्रेस मार्क की, तो देखो ग्रेस मार्क के चांसेस इस कंपार्टमेंट के रिजल्ट में बहुत कम रहते हैं। तुम कुछ भी कर लो, कितने भी कमेंट्स कर लो कि भैया ग्रेस मार्क चाहिए, मॉडरेशन पॉलिसी इन केमिस्ट्री पेपर, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों की फीलिंग, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दो केसेस में, ये तब के केसेस हैं जब हमारा नॉर्मल बोर्ड का रिजल्ट आता है, सारे सब्जेक्ट्स को देखा जाता है, अगर एक दो सब्जेक्ट्स में मार्क कम लगते हैं, एक दो मार्क्स, तो सीबीएसई बढ़ा देती है, उस केस में ग्रेस मार्क्स लगता है। लेकिन एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स लगना बहुत मुश्किल है, और मॉडरेशन पॉलिसी का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो जो यूट्यूबर्स या जो व्यूज गेन करने के लिए तुम्हें बता रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ये देखो मॉडरेशन पॉलिसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी के चांसेस बिल्कुल कम है, और सीबीएसई कभी भी ऑफिशियली नहीं बताती कि मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल निश्चित रहो। और अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फर्स्ट टाइम आओ तो, और अदरवाइज लाइक करके स्टूडेंट्स का शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स सारे के सारे बहुत परेशान है कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेके, और रिजल्ट कब आया था इसके लिए मेरी कल वाली वीडियो देखना जरूर भूलना, बिल्कुल मत भूलना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रिजल्ट कब आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड या सीबीएसई से रिलेटेड, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आईडी नीचे दिख रही होगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेरी आईडी दे रखी है SURYA0315। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम जरूर कर लेना। मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुम लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।